ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मसाला से पराठा तैयार हो गया। ये धुआँदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम कीमे वाली रोटी या कीमे वाला पराठा बना रहे हैं। ये बकरा ईद स्पेशल जो है वो रेसिपी है, और इसके लिए मैंने तकरीबन एक गिलास पानी लिया है, और कम मसालों से ये तैयार हो जाएगी ये रेसिपी, और बड़ी ज़बरदस्त। क्योंकि समझ नहीं आता कि हम बकरा ईद में करें तो करें क्या और क्या क्या इसका बना सकते हैं, तो ये रेसिपी बकरा ईद के लिए है। और इसमें हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज चॉप्ड करके डाल दिए, एक खाने का चम्मच लहसुन, एक खाने का चम्मच अदरक, 3 अदद टमाटर उसका मैंने छिलका उतार लिया है, 10 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून नमक, 1/2 किलो कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने धो लिया है। ये है बीफ, ठीक है, आप मटन भी ले सकते हैं। 1/2 किलो मैंने कीमा लिया है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं किस क्वांटिटी की हैं। अच्छा, इसको हमने पकने के लिए रख देना है बग़ैर ऑयल के, और ये इसी में गल जाएगा, ठीक है। फ्लेम आपने थोड़ा स्लो कर ले, इंशाल्लाह ये गल जाएगा तकरीबन 40 से 45 मिनट या घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कीमा गल चुका है, इसको ड्राई कर लें फुल फ्लेम करके, इसको पानी सुखा लें। जैसे ही पानी खुश्क हो जाए कीमे का तो चूल्हा बंद कर दें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कीमा हमारा तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है। अब पराठे की बनाने की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे इसके पेड़े बना लें, थोड़ा सा खुश्का, रोटी, पेड़ी छोटी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दोनों रोटी एक जैसे साइज़ की बेल ली जाएगी तो फिर बेल ली जाएगी नहीं, जब मैं बेल लूँगी तो बेल ली जाएगी, ऐसा किसी और ने बेल लिया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसमें डाल देना है कीमा। वाकई हुए, यह तो गलत गल है। असल में पता कि मैं आलू का पराठा बनावा या मैं किसी चीज़ का गोभी का दाल का पराठा बनावा तो उस चीज़ वो घट होए। मैं नहीं मानती। आलू बहुत ज़्यादा पाते। नहीं नहीं सही है। अच्छा सादा लगे। 1/2 किलो कीमे का एक पराठा। ऐ तो 1/2 किलो इसलिए है कि बाजारों मंगाया ना, जो कुर्बानी का होगा तो लोगों के घर ज़्यादा गोश्त होगा तो ज़्यादा बना लेंगे कीमे, है ना। 1 किलो का, 1.5 किलो का, 2 किलो का, जिन्नी फैमिली है की ख्याल है? हाँ, ठीक, ठीक ही है की कहनी है? उसमें बड़ा नहीं, पता नहीं क्यों मेरे हर चीज़ ज़्यादा लगती है, भावे मोटा है पराठा बनता है पता चले कि भाई कोई चीज़ खाधी है, उत्ते होने रख दो। जोड़ांगी जोड़ांगी जोड़ांगी, मैं सारा नज़र आ रहा है हूँ ए किनारे किस तरह मोड़ने ने कि तुम ना एन करके ना इंज करना है तो इंज करना है। समझ आ गया, तो टाइट करना है। असल च ना आखिरी पैर है। एक मिनट, चलो हूँ ना हाथ पे गए। अच्छी तरह इसको मोड़ना है ताकि ये जो है ना खुले ना। ये देखें इस तरह, ऐसे पता कि थोड़ा खुल गया सी, तो मैंने ना आटा ला के थोड़ा जोड़ लगाया, कीमा बाहर आ गया सी, शक्ल दिखाने लगे सी। पेवनकारी की थी। पेवनकारी सही गल है। मैं चूल्हा जला लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पकाते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से माशाल्लाह से ज़बरदस्त भुन गया है, और ऑयल आपने थोड़ा सारा से ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये ज़रा ये डीप फ्राई वाला है, फिर भी मैंने डीप फ्राई नहीं किया,
तो ये के है ये पराठा वैसे डीप फ्राई वाला, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी देखें थोड़ा सा ऑयल साइड पे ही है, ज़्यादा नहीं है, इसको हमने डीप फ्राई किया। अच्छा, ये है लाल आटे का, चक्की के आटे का। अगर आप मैदे का या सफ़ेद आटे का बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये बन सकता है, बल्कि उससे उसमें ज़्यादा इसलिए अच्छा बनेगा क्योंकि वो संभाला जाएगा। ये आटा संभाल नहीं सकता हर कोई, ये आटा मसाले ही संभाल सकती है। लाल आटा ना फट जाती है रोटी एकदम से, तो इसको अब निकाल लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पराठा जो है ना, ये मैंने कटिंग नहीं करना है, ये साबुता रखना है, साबुत। तो इसको ज़रा एक साइड पे कर देते हैं, इसको कटिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको कट करके इसलिए बता रही हूँ, और ये मैंने माशाल्लाह से ज़्यादा ही भून लिया है, क्योंकि तो उज़्मा जो है ना वो कच्चा पराठा नहीं खाती, और कच्चा कोई भी नहीं पसंद करता वैसे तो देखा जाए तो, इसलिए ना मैं ज़्यादा ही लाल कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या पराठा है, यकीन करें। कई लोग नहीं खाते ना लाल आटे की रोटी, लेकिन मैं कहने खा के देखो तो पता चले सेहत वास्ते कितना अच्छा है। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का मशाला से पराठा तैयार हो गया। ये धुआंदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो है ना केरी की खट्टी मीठी चटनी के साथ खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। मज़ा ना आए पैसे वापस। मैं बचपन से कहने सुन कौन कहता सी, एक तो बच्चे को पैसे भी नहीं आते तो कहने पैसे वापस, उन्होंने देने भी नहीं। अच्छा, हूँ मैं पंजाबी दादा उसमें मैं थोड़ा सा खा लगी हूँ, खा ला खा ला। इजाजत जिस तरह दीती है ना, मैंने पता है कहती है कि इन खाने की पई दी है। अच्छा, कीमा मैं लिया अद्धा किलो, तो उन्होंने मैं ना लसन अदरक प्याज टमाटर तो नमक मिर्च गर्म मसाला सारा कुछ पा के ना पकड़ा धरता सी। गर्म मसाला नहीं सी पाया, सुखा धनिया जीरा पाया सी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जो पता कि मैं छुरी क्यों कट रही हूँ, मैं हाथ ना नहीं कटा जा रहा। अच्छा, ऐ जो ना यह चटनी जी ना खट्टी मिठी, ए यकीन करो ए जरा है करारा, ठीक है, तो चटनी है जरा खट्टी मिठी, जो यदा कॉम्बीनेशन है उसमें दस कैसा सी। ओहो हो 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 हो, ना ही पूछो, चलो पूछ लो, तो बड़ा मजेदार सी। सारी चटनी खराब खराब नहीं होनी, खाकत नहीं इंशाल्लाह, बचनी नहीं। मैं बड़ी सा बड़ी ज़्यादा बनाई है तो मैं ना चल मेरे मुझ पानी आ गई, मैंने पता होगा तेरे मुझ पानी ट्राई कर दिया, मैं दसना। बाकी आटा जो है ना मैं घर का गुन्या लिया, मैं स्पेशली नहीं गुनिया, कहते कुछ चीज़ ऐसा पा के गुनना या खमीर पा देना या नहीं, कोई ईस्ट वगैरह नहीं, नॉर्मल आटा पका कर तल ली रोटी मटी, ज़्यादा फ्राई ज़्यादा ऑयल च ना थोड़ी पकानी है, इधर अच्छा पकाना है, ठीक है। ट्राई करके मैं दसना तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाजू याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।